नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आपसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। आपको दोस्तों पता होगा आपका जो फिजिकल है वो हो चुका है, पीएसटी एंड पीटी आपका कंप्लीटेड है, जो अगस्त के महीने में हुआ था 2019 में। लेकिन उसके बाद आपका जो रिटर्न पेपर है उसके बारे में संशय बना हुआ है कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा, आखिर कब होगा, किस डेट तक होगा। आपको दोस्तों पूरी जानकारी ए टू जेड भाई देने वाले हैं। आपका दोस्तों अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है सीआईएसएफ की तरफ से, आपको वो भी दिखाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। प्लीज गाइस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप दोस्तों वीडियो स्किप करते हो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप दोस्तों सीआईएसएफ के अभ्यर्थी हो आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पे ऑल गवर्नमेंट जॉब के बारे में एकदम रियल और सटीक जानकारी प्रोवाइड होती है, ठीक है? तो गाइस बात करते हैं आपके पेपर के बारे में। सबसे पहले आपका जो सीएसएफ का पेपर है वो होगा या नहीं होगा। देखिए गाइस, अगर आपका पीएसटी और पीटी हुआ है, आपको पता है वो कंप्लीटेड है आपका, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब कई को मतलब ये डाउट रहता है कि सर कहीं भर्ती तो कैंसिल तो नहीं हो जाए। देखिए भाई, अगर सीएसएफ कोई रिक्वायरमेंट निकालता है, अगर उसका पीएसटी और पीटी हो जाता है, तो भाई वो भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है? आप भाई 100% मान के चलो आपका जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट 100% करवाया जाएगा। अब बात आती है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, और गाइस जब का जो नोटिस जारी हुआ है सीआईएसएफ की तरफ से उसमें क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ एक बार, तो चलते नेक्स्ट पेज पे एक बार। तो गाइस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर देखिएगा संख्या E 32020 हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। आप दोस्तों यहाँ पे डेट देख सकते हो, 7 अगस्त का ये नोटिस है, ठीक है? मतलब आज का ही नोटिस है भाई, आपको कोई फेक न्यूज नहीं है, एकदम रियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो आप प्लीज टेंशन ना लें और आराम से मेरी बात सुने, ठीक है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम्स एजिटेंस, ठीक है? प्लीज रिफर दिस डायरेक्शन लेटर नंबर 1748 डेट 17/6/2020। ये गाइस आपको कुछ काम का नहीं है भाई, हम चलते हैं जबकि बात है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे, इट इज इनमिटेटेड दैट द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 इन सीआईएसएफ इज पोस्टपोन्ड टिल रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड सिचुएशन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 इन द कंट्री। तो भाई अब बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में, वो आपका कंडक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए भाई, इससे साफ बात तो ये है कि आपका जो पेपर है 100% कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन कब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं हमारे जो कह रहे हैं कि हाँ जो पेपर है आपका अगले साल कंडक्ट होगा। ऐसा भाई कुछ नहीं है, अगले साल कंडक्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई अगर सियासत चाहे आपका जो पेपर है इस साल भी कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके चलते आपका पेपर है कंडक्ट नहीं करवा सकते। 4 लाख+ बच्चे हैं जिनका पेपर कंडक्ट करवाना है सीआईएसएफ को। तो भाई आप मान के देख सकते हो कि अगर 4 लाख बच्चे एक साथ इकट्ठे कहीं होते हैं, अगर वो सेंटर भी देते हैं आपको कि मतलब सेंटर बनाते हैं वो अलग अलग, तो भाई ये तो नहीं है कि 50-50 बच्चे को बांटेंगे वो, भाई एक सेंटर में कम से कम 10-20 हजार तो जाएंगे ना। तो इसलिए यही प्रॉब्लम है गाइस, जब पेपर है कंडक्ट नहीं करवा रहे सीआईएसएफ वाले, वो भाई उन्होंने साफ साफ बोला है ग्राउंड सिचुएशन ड्यू टू आउटब्रेक। जब तक दोस्तों कोरोना वायरस अच्छे से ठीक नहीं हो जाता, ये प्रॉब्लम है इंडिया से चली नहीं जाती, पेशेंट कम नहीं हो जाते कोरोना वायरस के, भाई तब तक आपका पेपर है जो सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, आपको गाइस साफ साफ बोल दिया है। अब आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे देखते हो पेपर इस तारीख को कनेक्ट होगा इस तारीख को होगा, भाई बेफालतू में टाइम वेस्ट करके किसी को कुछ नहीं मिलना। अगर आपको टाइम वेस्ट करना भी है भाई, आप गाइस पढ़ाई करने में करो, वीडियो देखने में मत करो टाइम वेस्ट। अगर टाइम वेस्ट आपको करना है तो पढ़ाई करने में करो, वो आपके काम आएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो एग्जाम के रिगार्डिंग, वो काम नहीं आएंगी, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। और भाई जो पेपर है आपका 100% कंडक्ट करवाया जाएगा, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा, कंपटीशन लो नहीं होगा, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना आपका टाइम जा रहा है लोग तैयारी कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए लेकिन लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कि हाँ पेपर का लेवल उनको ऑलरेडी पता है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा नंबर आएंगे, अगर ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको भी ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। तो वही बात है भाई, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा,
अगर तैयारी कंटिन्यू रखोगे तो भाई सियासत की वर्दी आपसे दूर नहीं है। अगर आप डीमोटिवेट होके घर पे बैठ गए कि पेपर नहीं होने वाला है, हमने नहीं पढ़ना है, तो भाई सियासत को भूल जाओ, फैसला आपके हाथ में है। तो गाइज थैंक यू सो मच, आपको दोस्तों मैंने जानकारी देना जरूरी समझा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और मुझसे कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो किसी अदर जॉब के बारे में, आप गाइज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भाई चैनल आपका है, आपको सपोर्ट करना है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल, सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल, या फिर भाई आप अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इंडिया में, आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको दोस्तों मेरे चैनल पे एकदम रियल और सही जानकारी प्रोवाइड होती है। अगर आप गाइज रियल और सही जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच।